हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 के जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दिया था, जिसे आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और इस वीडियो में हम 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन दे रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर रिलेटेबल टू इनकम ऑफ मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक वाइल कंसीडरिंग पब्लिक वेलफेयर। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टू इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड। जो टर्म है सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ चेंज, किसी भी चीज़ में कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो टर्म है इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल के चेंज होने के कारण दूसरा वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जो टर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मेनली कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी प्राइस उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस पर डिपेंड करता है, ये कंज्यूमर की इनकम पे। इसका मतलब यह हुआ कि एक फैक्टर इनकम में जितना चेंज आएगा उस हिसाब से दूसरे फैक्टर डिमांड में भी उस हिसाब से चेंज आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि ये जो टर्म है सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ चेंज, तो कितना चेंज आ जाएगा। तो ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इनकम पे डिपेंड करेगा, और इनकम में जितना चेंज होगा उस हिसाब से कंज्यूमर की डिमांड में भी चेंज आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड और ऑप्शन 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक दूसरे से रिलेट करेंगी। इसे हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम पर मंथ इनकम है 50,000 और उसकी डिमांड है 100 यूनिट, किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट डिमांड है। अब मान लीजिए उसकी इनकम किसी कारण से घटकर 40,000 हो गई, तो अब उसकी डिमांड भी कम होके 50 यूनिट पे आ जाएगी, क्योंकि इनकम कम हो रही है तो उस हिसाब से डिमांड में भी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बताया था क्या, जो ये टर्म है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल चेंज होने के कारण दूसरे वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है। तो इनकम में चेंज होने के कारण उसकी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। देखिए 50,000 से 40,000 हो गई, तो उसकी डिमांड 100 यूनिट से 50 यूनिट पे आ गई। और चेंज का मतलब क्या बताया था मैंने, सेंसिटिविटी। तो उस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन जो हैं ऑप्शन 1 और 2 एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें देखिए 1 और 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग सेफ्टी ऑन हाईवेज वेयर मेजर इंप्रूवमेंट वर्क में आल्सो बी इन प्रोग्रेस। तो हाईवे से सेफ्टी रिलेटेड जो जो प्रोविजन और रूल बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, हाईली विजिबल बैरिकेड्स टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ व्हीकल इन डीप इंटर स्पेसेस अहेड इंक्लूडिंग ट्रेनेज। तो आपने देखा होगा कि हाईवे किनारे बैरिकेड बने होते हैं, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है वायरनेट प्रोविजन टू वायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, से बचना, किससे बचना, रोड स्लीपेज से बचने के लिए जो लोहे की जालियां हाईवे किनारे लगाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है साइनेज फॉर वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग लाइक डियर एंड एलिफेंट। अगर कोई हाईवे किसी जंगल से पास करता हो और उस हाईवे के आसपास ही वाइल्ड एनिमल उस स्पेसिफिक प्लेस का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते हो, तो
हाईवे किनारे एक साइन बोर्ड लगा रहता है, उसमें सिंबल बना रहता है वाइल्ड एनिमल का, कि वाइल्ड एनिमल इस जगह का यूज़ अक्सर आने जाने के लिए करते हैं, तो उसका बोर्ड लगा रहता है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? साइनेज ऑफ माइनर ग्रेडियंट। माइनर ग्रेडियंट क्या होता है? कि हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना, जैसे हाईवे पे पानी इकट्ठा ना हो, बारिश हो तो पानी इकट्ठा ना हो। उसके लिए आपने देखा होगा कि हाईवे है तो ये स्लोप ऐसे बना रहता है, दो स्लोप बने रहते हैं, तो स्लोप बनाया जाता है ताकि पानी इधर चला जाए और इधर चला जाए, इकट्ठा बीच में ना हो। तो इसका सिंबल नहीं बनाते हैं कि स्लोप है, इसका सिंबल बनाना मस्ट नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सही है? 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन डी में देखिए, 1, 2, 3, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अ व्हीकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 88 किलोमीटर पर आवर, वेट 62,293.5 न्यूटन, एंड इट्स रोलिंग रेजिस्टेंस क्वेश्चन 0.018। दी रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ व्हीकल, मतलब इनडायरेक्टली वो फ्रिक्शन पूछ रहा है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू आर, वेयर म्यू इज, म्यू क्या है? वो है कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ दिया हुआ 0.018। और आर क्या है? आर क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है? एम जी। एम जी क्या है? वो वेट है। तो क्वेश्चन में वेट क्या दिया है? 62,293.5 न्यूटन। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा 0.8, फिर 62,293.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन 1,121.3 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट 24 किलोमीटर पर आवर, हैविंग अ व्हील रेडियस ऑफ 0.305 मीटर, विथ ओवरऑल गियर रेशियो इज इक्वल टू 19.915, एंड वेन टॉर्क ट्रांसमिटेड इज 203.6 न्यूटन मीटर, द इंजन स्पीड एंड पावर आर नियरली। आपसे इंजन स्पीड और पावर पूछ रहा है, क्योंकि यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यह टफ है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने के लिए सारे फॉर्मूले जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देख रहा है? स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई डी एन, जहाँ पे डी क्या है? डायमीटर ऑफ व्हील, किसमें? मीटर में। और एन क्या है? वो रोटेशन है, किसमें? राउंड पर मिनट में, आरपीएम में। तो स्पीड क्या देगा? 24 किलोमीटर, मीटर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई, और आवर में दिया टाइम, तो इसे मिनट के लिए 60 से डिवाइड। तो पाई डी की वैल्यू 2 आर, आर क्या दे रखा है? 0.305, 2 × 0.305, और रोटेशन व्हील का रोटेशन। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 208.68 के करीब आ जाएगी व्हील के रोटेशन की स्पीड, क्योंकि व्हील का रोटेशन और इंजन का रोटेशन दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि जो इंजन से पावर होती है वो डायरेक्ट व्हील तक नहीं पहुंचती है, वो पहले गियर बॉक्स में जाती है, फिर क्लच से होते हुए तब व्हीकल तक जाती है। इसलिए दोनों की रोटेशन अलग अलग होता है। इससे हम लोग कितना चेंज आता है उसे हम लोग गियर रेशियो से डिफाइन करते हैं। तो गियर रेशियो क्या होता है हमारा? आरपीएम, किसका आरपीएम? इंजन का आरपीएम और व्हील का आरपीएम। तो इंजन का आरपीएम हमको फाइंड करना है, व्हील का कितना निकाला अभी हमने? 208.68, और गियर रेशियो कितना दिया है? 19.915। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको इंजन के आरपीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 4,156 के करीब। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आ रहा है लगभग इतनी वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। अब हमको पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। पावर की वैल्यू क्या होता है? पावर की वैल्यू होती है टॉर्क T × ओमेगा। ओमेगा क्या है? वो एंगुलर स्पीड ऑफ इंजन। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 π n। n किसका? इंजन का, जो अभी हम लोग ने फाइंड किया है। तो टॉर्क दे रखा है हमको कितना?
203.6 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आरपीएम, किसका इंजन कितना फाइंड किया था हमने, 4156, क्योंकि पावर देखिए वो किलोवाट में दे रहा है और आरपीएम यहाँ मिनट में है, तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 88599.6 इतना वॉट, क्योंकि किलोवाट में दिया है, तो हम लोग यहाँ एक पे एक तीन प्लेस के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 88.6 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, अ रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई वन हैज़ बीन प्लेस्ड इनसाइड अ ट्यूब लेंथ एल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई टू एंड द टू आर फर्मली हेल्ड बाय इन प्लेट्स, द पोर्शन ऑफ द लोड पी अप्लाइड ऑन द इन प्लेट्स शेयर्ड बाय रॉड एंड ट्यूब रिस्पेक्टिवली आर। बाप से दे रहा है कि एक रॉड है जिसका एरिया ए वन है और लेंथ लेंथ एल है, उसको किसमें एक ट्यूब में प्लेस किया जाता है, ट्यूब का एरिया कितना है ए टू है और सेम लेंथ है एल। अब इसको प्लेस करेंगे तो ये जो रॉड है ऐसे आ जाएगी, तो इसका डायग्राम 2D डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये पोर्शन किसका है, ये ट्यूब का पोर्शन है और ये पोर्शन किसका है, ये रॉड का ए वन, ये ए टू और लेंथ सेम ही है एल। अब आपसे कह रहा कि दो प्लेट से फर्मली हेल्ड किया जाता है, यहाँ पे दो प्लेट लगा देंगे और लोड लगाया जाता है कितना पी। अब ये पूछ रहा है इस पी लोड का कितना पोर्शन ये लोड वियर करेगा पी वन और कितना ये ट्यूब वियर करेगा पी टू। तो जो पी की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लोड वियर बाय रॉड और लोड वियर बाय ट्यूब। तो इसका हम डायग्राम ये ट्यूब का पोर्शन है और ये रॉड का, क्योंकि ये प्लेट फर्मली दोनों साइड से लगाई गई है तो डिफ्लेक्शन दोनों का इक्वल होगा, ये रॉड का और ये ट्यूब का। तो डिफ्लेक्शन किसका, पहला ये रॉड का इक्वल किसके होगे, ट्यूब के डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो रॉड का लोड कितना वियर है पी वन एल, क्योंकि दोनों में सेम है एरिया ए वन और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ई वन, और ट्यूब का लोड पी टू लेंथ सेम है एरिया ई टू और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई टू, तो एल एल सेम है कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से पी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए पी टू की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, देखिए ये ए टू ई टू इधर आ जाएगा, फिर यहाँ देखिए ए वन ई वन फिर इंटू पी वन पी वन। तो ये पी टू की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आ जाएगी, पुट करेंगे तो क्या था पी इक्वल टू पी वन था और पी टू की वैल्यू क्या आई थी, पी टू की वैल्यू क्या आई थी ए टू ई टू अपॉन ए वन ई वन इंटू पी वन। यहाँ से पी वन कॉमन लेंगे, पी वन कॉमन लेंगे तो हमारा देखिए ये ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू अपॉन ए वन ई वन और इक्वल टू पी। अब इसे इधर लाएंगे तो पी टू पी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी वन की वैल्यू आ जाएगी पी इंटू ए वन ई वन अपॉन में ये टर्म। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ये पी वन की वैल्यू देखिए ये ऑप्शन ए में, देखिए ये ऑप्शन ए में आ रहा है और इसी तरह पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू में
अब P1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इतनी, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अ वेट ऑफ 240 न्यूटन इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग मेड अप ऑफ 18 mm स्प्रिंग स्टील वायर। द स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ 22 राउंड टू अ डायमीटर 180 mm। इफ द इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन इज 120 mm, वॉट इज द हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ द वेट गिवेन जी इक्वल टू 88 × 10³ न्यूटन पर mm² जी क्या है, वो शियर मॉडुलस की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उस पर एक ब्लॉक ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, मान लेंगे एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप करने के साथ ही उसमें एक इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन डेल्टा की वैल्यू जो कि दी हुई है, कितनी दी हुई है वो 120 mm दी गई है, 120 mm। ये देखिए तो कह रहा कितनी हाइट से ड्रॉप करें कि इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन ये आए, तो हमको एच की ये वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये ब्लॉक जब यहाँ पे ड्रॉप होगा तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी और इस स्प्रिंग की स्टोर एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगेगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होंगी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी काइने वो स्प्रिंग की स्टोर एनर्जी में चेंज होगी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg × h। अब इसकी हाइट पूरी क्या लेंगे, देखिए यहाँ ये h हाइट से ब्लॉक किया जा वो ब्लॉक को ड्रॉप किया जाता है और जो इंस्टेंटेनियस कंप्रेशन है वो दोनों साथ में लेंगे, यहाँ पे ये पूरी हाइट होगा, फिर स्प्रिंग की स्टोर एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है 1/2 K स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में, तो उसकी पावर 2, तो इसका फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग को एच की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे वेट पता है कितना दिया है और डेल्टा की वैल्यू 120 और के की वैल्यू नहीं दी है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है शियर मॉडुलस इनटू कॉइल का मीन डायमीटर की पावर 4/64, और जो उसका राउंड का मीन वो डायमीटर होता है उसका रेडियस यहाँ लेते हैं, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो R³ × n, n क्या है, कितना राउंड कॉइल है, ये 22 है, तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू 88 × 10³, मीन कॉइल डायमीटर की वैल्यू 18 × 10⁴ और रेडियस इसका हाफ, 180 का हाफ कितना 90³ और राउंड कितना है वो 22 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 9 न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसकी वैल्यू जो इक्वेशन उसमें पे पुट करेंगे, क्या था इक्वेशन, वो था mg h+(δ)·½ K²। mg की वैल्यू वेट क्या है 240 240, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू कंप्रेशन की वैल्यू 120 mm 120 mm, फिर 1/2, के की वैल्यू कितनी आई 9 न्यूटन पर मीटर, फिर डेल्टा की वैल्यू 120 की सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एच की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो आ जाएगी 150 mm, जो कि ऑप्शन डी में दिया हो, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्गोनॉमिक डिज़ाइन। ये अर्गोनॉमिक्स क्या है, अर्गोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, पहला अर्गोन जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वर्क, और नॉमिक्स, नॉमिक्स का मतलब होता है साइंस, तो अर्गोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसका एम होता है किसी भी कंपनी या फैक्ट्री के वर्किंग प्लेस को ऐसे अरेंज करना कि वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट सेफ से सेफ हो सके, और कंपनी के प्रोडक्ट और सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना,
प्रोडक्ट और सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना कि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ताकि उनका फटीग और डिस्कम्फर्ट कम से कम हो सके, और ताकि वहाँ जो कंपनी और फैक्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूसिंग दी स्ट्रेस ऑन स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग फॉर लेसर फटीग कॉसिंग सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड टॉवर्स ऑप्टिमाइजेशन फिंगर स्ट्रेस लेवल। अभी मैंने क्या बताया है कि सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करना कि काम जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा हो सके। तो ऑप्शन टू भी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड क्या है, कैटरिंग टू इंक्रीजिंग डिमांड टू प्रोड्यूस मोर प्लीजिंग ऑब्जेक्ट। प्लीजिंग मतलब क्या है कि प्लीजिंग ऑब्जेक्ट का मतलब देना है कि उनका इंजॉयमेंट। अगर किसी कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयों को प्लीजिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू इंजॉयमेंट दिलाती है तो वहाँ की वर्किंग इफिशेंसी कम हो जाएगी, तो कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। तो ऑप्शन वन एंड टू करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं किस में दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में, देखिए वन एंड टू, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस क्रिएट्स कलर्ड इमेजेस विच लुक एंड फील लाइक अ फोटोग्राफ। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसका प्रिंटआउट एक फोटोग्राफ की तरह दिखता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर, दूसरा है लेज़र प्रिंटर, तीसरा है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर और चौथा है इंकजेट प्लॉटर। तो ये जो ऑप्शन सी है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, ये कैसे प्रिंट करता है, इस प्रिंटर में कलर डाई लगी होती हैं और ये पेपर होता है। तो जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तो वो हीट का यूज़ करके कलर डाई होती है वो पेपर पे प्रिंट कर देता है, जिससे कि जो प्रिंट आउट निकलता है उसकी क्वालिटी जो फोटोग्राफ में जो क्वालिटी होती है वैसे सेम होती है। इस प्रिंटर का इस्तेमाल जनरली मेडिकल, जो अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो प्रिंट आउट होता है वो फोटोग्राफ की तरह लगभग दिखता है, मेडिकल और सिक्योरिटी एप्लीकेशन में इस प्रिंटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा टेक्निक से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट है देख लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इट पोस्टुलेट दैट एनी प्रोसेस मस्ट नॉट प्रोड्यूस मोर देन 3.4 डिफेक्ट पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज़। और तीसरा क्या है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मोटोरोला। तो जो सिक्स सिग्मा टेक्निक थी वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट थी, जिसका एम क्या था, जिसका एम था कि कंपनी की कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना। कैसे बढ़ाना, उस कंपनी की प्रोसेस को इम्प्रूव करके और जो डिफेक्ट हैं उनको कम करके। तो ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए इम्प्रूव, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या है, डिफेक्ट को कम करना, कितना कम करना, 3.5 डिफेक्ट पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि 10 लाख, अगर किसी कंपनी में 10 लाख प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनमें सिर्फ 3.4 डिफेक्टिव, मतलब इससे ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सिक्स सिग्मा का करेक्ट था। और थर्ड क्या, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मोटोरोला। सिक्स सिग्मा को सबसे पहले मोटोरोला ने इम्प्लीमेंट किया, मोटोरोला कंपनी ने दुनिया का सबसे पहले मोबाइल फ़ोन बनाया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ ग्रिलेज फाउंडेशन। अब स्टेटमेंट क्या क्या, पहला स्टेटमेंट है इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हैवली लोडेड आइसोलेटेड कॉलम्स। दूसरा क्या, इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्प्रेड फाउंडेशन
फाउंडेशन, तीसरा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड स्टील कॉलम। अब ये जो ग्रिलेज फाउंडेशन होता है ये लेयर बाय लेयर बीम का एक बेस होता है, जो लेयर बाय लेयर क्या हो स्प्रेड मतलब फैलता जाता है। पहले देखिए इसका एरिया इतना था, फिर इतना था, फिर इतना, अब ज़्यादा हो गया तो स्प्रेड हो रहा है। और इसका यूज़ क्यों होता है, इसका हैवली लोडेड कॉलम, हैवली लोडेड जो कॉलम होते हैं उनके सपोर्ट के लिए होता है। तो देखिए ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोवाइडेड फॉर हैवली लोडेड आइसोलेटेड, तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, इट ट्रीटेड एज अ स्प्रेड फाउंडेशन, ये भी जैसा कि अभी बताया मैंने ना, लेयर बाई लेयर क्या इसका एरिया बढ़ता जाएगा, तो जो हैवली लोडेड कॉलम है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि क्या प्रेशर बराबर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो लोड है वो कम होगा, देखिए एरिया बढ़ रहा है धीरे धीरे तो लोड कम होगा, तो पिलर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो हमारे ऑप्शन एक और दो करेक्ट होंगे। तीसरा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड स्टील कॉलम, क्योंकि क्या होता है ये हॉरिजेंटल होता है ना, परपेंडिकुलर तो होता नहीं लेयर बाई लेयर, तो ऑप्शन जो थ्री है वो रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन एक और दो करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट ऑप्शन में ये देखते हैं। इट इज़ द सोलर रेडिएशन दैट रीचेज द अर्थ सरफेस, दूसरा क्या, इट इज़ मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये जो इंसुलेशन होता है क्या होता है, इंसुलेशन ये होता है टोटल सोलर रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस पे सन से आता है, उसे हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। और इसे मेजर कैसे करते हैं, इसे मेजर हम लोग करते हैं कि इक्वल टू होता है टोटल सोलर रेडिएशन जो सन से आता है, कितना पर एरिया पर टाइम में, तो टोटल सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जितना आता है उसे हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया, इट इज़ द सोलर रेडिएशन रीच, ये करेक्ट है। और तीसरा क्या है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या है एरिया है, और पर मिनट ये टाइम है, तो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। और थर्ड क्या है, इट इज़ द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब, नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता, ये सन से कितना सोलर टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आता है उसे हम लोग इंसुलेशन कहते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऑप्शन जो थ्री है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक और दो करेक्ट है, तो देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी में एक और दो ओनली, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वालिटी सर्किल, अब ये क्वालिटी सर्किल क्या है, जैसा कि ही नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटी सर्किल एक बहुत कम लोगों का ग्रुप होता है जिसके मेंबर एक ही वर्किंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप का मेन फोकस ये रहता है कि जो कंपनी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना और वहाँ के जो जो एम्प्लॉई हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाना और उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करना। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप, हाँ यहाँ तक सही है, ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट नहीं वो सेम वर्किंग फील्ड से बिलोंग करते, तो हमारा ऑप्शन जो एक है वो पहले ही गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हु वॉलंटियर देमसेल्फ, मतलब कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, तो ऑप्शन टू सही है। और तीसरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जो वर्किंग एफिशिएंसी और जो वर्कर है उनको मोटिवेट करना, तीसरा भी सही है। और चौथा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोरम, ये भी करेक्ट है। तो जैसे एक गलत हो गया, देख लीजिए बी में भी वन आ रहा है, सी में भी और डी में भी, तो इससे आप टाइम बचा सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला क्या है, इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडॉप्टेड, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरेशन अलोंग क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है,
पार्ट इज द प्रोबेबिलिस्टिक इन इट्स अप्रोच। तो पार्ट क्या है, पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो पार्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक टूल की तरह यूज होता है, जिसका काम होता है कि प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना और उसको शेड्यूल करना, ताकि वो कम से कम टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। तो प्रोजेक्ट जो पार्ट होता है हमारा, इवेंट ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड, जिसके बारे में हमको एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और जिस भी चीज़ की हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसको हम सॉल्व करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। मतलब उसका जो सॉल्विंग अप्रोच होता है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो अब देखते हैं ए बी सी डी में किस में थर्ड नहीं आ रहा। देखिए वन इसमें थर्ड नहीं आ रहा ऑप्शन ए में, तो ये पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, ड्यूरेशन अलोंग क्रिटिकल पाथ इज़ दी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन परमिसेबल। तो किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पाथ जो होता है वो एक ऐसा पाथ होता है जिसमें हमको प्रोजेक्ट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोजेक्ट कितना रिसोर्स का यूज़ कर रहा है और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो ये चाहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है कम से कम रिसोर्स का इस्तेमाल करे और कम से कम टाइम ले। तो क्रिटिकल पाथ जो है वो प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ये चाहता है कि जो क्रिटिकल पाथ हो वो हमारा कम से कम रहे, ताकि प्रोजेक्ट कम टाइम में और कम रिसोर्स का यूज़ करे। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो दो और तीन करेक्ट हो गए। अब देखते हैं दो और तीन किस में नहीं है, इसमें देखिए बी में नहीं है दो तीन, तो बी कैंसिल आउट हो गया। अब फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट, इन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर टॉप डाउन अप्रोच इज अडॉप्टेड। ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम ले रहा, तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, उसको टॉप से बॉटम में। टॉप जो रहेगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, उससे कम वाला जो ऊपर वाले से थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं उसकी। एक हम लोग टॉप टू बॉटम एक हायरार्की बना लेते हैं, तो उस हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रहता है वो इजीली कम समय में सॉल्व हो जाता है। तो वर्क ब्रेकडाउन का अप्रोच कैसा है, टॉप टू बॉटम। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। तो देख लेते हैं किसमें तीनों आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, लेट द सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव इंटीजर 0, 1, 2 एन माइनस वन एन तक का कितना डिनोट कर रहा है। एस एस क्या है, वो सम ऑफ स्क्वायर है 0 से n तक नंबर का। फिर लेट द सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स ऑफ सेम इंटीजर, जो यही इंटीजर है इसका सम ऑफ क्यूब कितना डिनोट कर रहा है, वो सी से डिनोट कर रहा है। इट इज़ डिजायरेबल दैट सी बाई एस, ये सी और ये एस, इसका रेशियो एज एन इंक्रीजेज इन स्टेप्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम 0 इज़ गिवेन बाय दिस सीरीज। और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, देखिए 0, 1, 2, 3 रखने पे जो c बाई एस का रेशियो है वो 0, 1, 3 बाई 3, 9 बाई 5 और ये इतना आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ा दिया ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो c बाई एस, c क्या है, c हमारा है 0 से n तक का क्यूबिक सम। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। फिर एस क्या है, 0 से n तक का सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है सिंपली n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो सी बाई एक्स का रेशियो एस का रेशियो है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये n स्क्वायर, तो 1n से 1n कैंसिल आउट, 1n से 1n प्लस 1 कैंसिल आउट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो सी बाई एस का रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए सी बाई एस का रेशियो ये आ जाएगा 3/2, फिर n n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1। अब क्या गया जी, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ रहा, देखिए 0 रख दे रहे हैं, तो 3/2 0, तो वैल्यू पूरी
देखिए यहाँ तो ऊपर 0 आ रहा है, देखिए 0 प्लस 1, और नीचे देखिए 0 प्लस 1, तो ये इंटू इससे हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो 0/1 का रेशियो आ रहा है। फिर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एन की वैल्यू 8 रखने पे कितना आता है, तो चलिए 8 रखते हैं इस इक्वेशन में। हमारा इक्वेशन क्या था, 3/2 एन एन प्लस 1 अपॉन 2n+1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 8 रखिए, 8 रख के देखते हैं, देखिए इंटू 8 इंटू यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 8+1 9, फिर 8 इंटू 2+1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 108/17, जो कि ऑप्शन ए में देख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दी प्लेन व्यू एट जस्ट बिलो विंडो सील लेवल बट नॉट शोइंग डोर ओपनिंग इज शोन ऑफ एन आउटपोस्ट बिल्डिंग ऑफ से द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सेक्शन ए एक्सटेंडिंग जस्ट आ लिटिल अबव ग्राउंड लेवल GL एंड फुल्ली बिलो ग्राउंड लेवल इज शोन। दी वॉल एंड दी फर्स्ट फुटिंग आर ऑफ रेंडम रबल मशीनरी इन सीमेंट मोटार एंड द लोअस्ट पार्ट ऑफ फाउंडेशन इज ऑफ मेड रबल इन सीमेंट मोटार। दी टोटल वॉल्यूम ऑफ 40 सेंटीमीटर डी फुटिंग ऑफ होल बिल्डिंग इज नियरली। आपसे जो ये बिल्डिंग है, इसका क्रॉस सेक्शन आपको अलग से क्रॉस सेक्शन ये दिया हुआ है, ये तो आपसे फर्स्ट फुटिंग का इसका पूरा वॉल्यूम दे पूछ रहा, जो जो कि बिल्डिंग के चारों तरफ गया है, ऐसे बिल्डिंग के चारों तरफ जो ऐसे गया है, फर्स्ट फुटिंग का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने अर्थमेटिक में आपने मैथ में एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ना, कि एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसमें इनर से थोड़ा थोड़ा कम करने पर कम किया जाता है, फिर जो रास्ता निकल रहा है, वे निकल रहा है, उसका एरिया आपसे पूछा जाता था। तो उसको आप कैसे फाइंड करते थे, पहले आप आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते थे, फिर इनर का, फिर दोनों को आप माइनस करते तो आपको ये जो पाथ है उसका एरिया आपको मिल जाता था। तो यही इसी तरह इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्डिंग के चारों तरफ जा रहा है ना, तो ऐसा ही होगा, तो इसके फ्रंट में भी ऐसा ही क्रॉस सेक्शन आएगा, सेम क्रॉस सेक्शन ऐसा ही आएगा। तो देखिए, और इसका आपको इनर वो दे रहा है वॉल्यूम, देखिए वो इनर डायमेंशन कितना है, 3.5 मीटर और 5 5 मीटर, और वॉल की थिकनेस आपको 30 सेंटीमीटर दे रहा है। तो देखिए इसको फिर से बनाते हैं, आपको इनर डायमेंशन कितना था, ये था 5 मीटर, मतलब 500 सेंटीमीटर, और विथ कितना था, विथ आपको दे रहा था 3.5, मतलब 350 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इनर दे रहा है, आपको अब ये निकालना है इनर का, इसका फर्स्ट फुट का और आउटर फुट यहाँ तक का, दोनों का निकालना है पहले। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ तक है 500 सेंटीमीटर, और ये है 40, और ये है 30, दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों मिला के 15 आएगा, मतलब 7.5 इधर 7.5 इधर, तो इसके सामने भी 7.5 इधर आएगा, तो दोनों मिला के 15 हो गया। तो इनर लेंथ कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 15, तो 485 इनर लेंथ, और विथ क्या आएगी, विथ में भी 15 कम हो जाएगा, तो 350 में 15 कम कितना, वो हो जाएगी 335, ये इनर लेंथ और विथ आ गई। अब आउटर कैसे निकालेंगे, देखिए ये 500 है
और ये 30 है, और इसके सामने भी इधर भी 30 होगा, तो 30, तो ये 30 और ये 30 और ये वाला 7.5 और ये 7.5, मतलब 30 30 60, 7.5 7 15, मतलब 75, मतलब आउटर में कितना इंक्रीज होगा, 500 प्लस 75, मतलब 575। ये तो लेंथ हुई। अब विड्थ, विड्थ में कितना इंक्रीज होगा, उसमें 75 का, तो 350 प्लस 75, मतलब 425। तो आउटर लेंथ और विड्थ, ये सॉरी ये वाली आउटर है, ये आउटर है और ये इनर है, और वॉल्यूम आपको दे रहा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कैसे, इसका इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी वॉल्यूम कैसे निकालते, लेंथ विद इंटू हाइट। देखिए हम लोग फिर से करते हैं, तो उसका फुट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले आउटर, आउटर का ए आउटर का वॉल्यूम तो कितना था, 575 इंटू 425, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना है, 40 सेंटीमीटर। फिर इनर का, इनर कितना निकाले थे हम, 15 कम था ना, तो 500 में 15 कम, मतलब 485, और विथ में भी कम तो 335, और विथ तो हाइट तो उतनी है, सेम है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इनटू करके, सिंपली है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर लगभग, इतना मीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन लंबा है, सॉरी सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बार लग जाएगा, तो 3.27, मतलब अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.3 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो देखिए किसमें है, ये ऑप्शन बी में आ रहा है 3., तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये होती है नमी, हम कहते नहीं है हवा में कितनी नमी है, मतलब वाटर वेपर किसमें, एयर में। तो इसको मेजर कैसे करते हैं कि वाटर वेपर का कितना मास हवा के कितने वॉल्यूम में है, तो मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, इसी को हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए हमारा इसका मतलब, हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, तो हम ऑप्शन देखेंगे इसमें 1 नहीं है, तो ऑप्शन सी में देखिए नहीं है, तो ये पहले कैंसिल आउट होगा, तो ऑप्शन सी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये करेक्ट है और ये कैंसिल आउट है, तो अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, हाइग्रोमीटर इज़ यूज फॉर मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सभी को पता हाइग्रोमीटर वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 2 करेक्ट हो गया। तो देखिए जिसमें 1 2 साथ में ना हो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए बी में भी 1 2 नहीं है, तो बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थर्ड क्या है, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 75%। अब ये ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू का मतलब ओस होता है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस एयर का, वो टेम्परेचर होता है जिसमें एयर ठंडी होके वाटर वेपर फॉर्म करती है, और वही वाटर वेपर धीरे धीरे कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कब होता है, जब एयर का टेम्परेचर कम हो और उसमें वाटर वेपर जल्दी जल्दी बने, तो जब वाटर वेपर जल्दी बनेगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, तो एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो जब उसकी एक लिमिट से बाहर हो जाएगा तो वही जो वाटर वेपर है वो थ्रू ग्रेविटी वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, किसकी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, उसी को हम लोग ओस कहते हैं। आपने देखा होगा सुबह के टाइम में
पौधों की पत्तियों और घासों पे जो लिक्विड होता है वही ओस होता है। तो अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंपल अगर देखें तो इसका मतलब होता है कि हवा में, एयर में कितनी मॉइस्चर है, हवा में कितनी मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा, और अगर ज़्यादा बनेगा तो ओस जल्दी बनेगी। तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1% है, इसका मतलब जो एयर है उसमें मॉइस्चर बहुत कम है और वह ड्राई एयर है। अगर 100% होगा तो उसका मतलब क्या है कि एयर में ज़्यादा मॉइस्चर है और वाटर वेपर जल्दी बनेगा और लिक्विड में वो जल्दी चेंज होगा। तो हमारा ऑप्शन, सॉरी, वो स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सैनिटरी एंड म्यूनिसिपल फील्ड दी वेस्ट हीप्स आर अनअवॉइडेबली हैजार्ड्स ड्यू टू। जो सैनिटरी और म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट किसी प्लेस पे डम करते हैं, मतलब जो कूड़ा कचरा किसी प्लेस पे डम करते हैं, वो कितना हैजार्डियस, मतलब कितना बहुत खतरनाक है। तो उसका पहला क्या है, पहला रीज़न दे रहा है कि लीचेस्ट। लीचेस्ट क्या होता है? वो एक तरह का लिक्विड होता है जो कि कैसे बनता है, मान लीजिए यहाँ कूड़ा कचरा डम किया है नगर निगम या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो यहाँ किसी वजह से पानी आ गया या बारिश हो गई, तो वो बारिश का पानी इस कूड़े कचरे से, सॉलिड वेस्ट से मिल के वो एक गंदा पानी बनाएगा, वो पलूटेड लिक्विड बन जाएगा। तो ये पलूटेड लिक्विड यहाँ से लीक होके अगर नदी में मिल जाए और ग्राउंड वाटर में मिल जाए तो उसको भी पलूटेड कर देगा, तो वो बहुत खतरनाक है। तो पहला जो लीचेस दे रहा वो सही है, और दूसरा क्या है, इमेनेटिंग गैसेस। इमेनेटिंग गैसेस मतलब जो उससे कूड़े कचरे से जो गैस निकलती है उसमें से जनरली क्या निकलती है, मेथेन निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो कि एटमॉस्फेयर को पलूटेड करती हैं। तो ऑप्शन हो स्टेटमेंट वो जो रीज़न टू भी दे रहा वो भी करेक्ट है। और तीसरा क्या है, रोडेंट एंड वंडरिंग एलिमेंट, जो बदबू आती है और वंडरिंग जो जानवर उस जगह पे घूमते रहते हैं, वो एक मेजर इशू नहीं है, वो एक माइनर इशू है, तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो जो थर्ड है वो रॉन्ग है। और फोर्थ देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप दैट सीम्स टू बी हैव अ एफिनिटी फॉर सच नेबरहुड। जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है उससे जो वेस्टेज निकलता है वो ज़्यादा पलूटेड, मतलब मेजर हैजार्डियस इशू नहीं है, तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक माइनर इशू है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है, एक सही है और दो सही है, वन टू सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन बी में 1-2 दे रहा है, तो बी से करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द इन्वायरमेंट फ्रॉम मैन मेड कंपाउंड सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसा कि आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिप्लेट करता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन है वो अर्थ सरफेस पे तो इतना नुकसान नहीं करते, लेकिन जब वो स्ट्रेटोस्फीयर पे जाते हैं जहाँ ओजोन लेयर है, तो जब वो दोनों मॉलिक्यूल क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पहुँचते हैं तो जो सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेज हैं इसमें पड़ती है, तो ये एटम में ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद इनसे बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण वो बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देते हैं। और ये जो डैमेज प्रोसेस होता है वो सुपरसोनिक स्पीड पे होता है। सुपरसोनिक मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, मतलब अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो थाउजेंड ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है। तो इसीलिए क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत डेंजरस हैं ओजोन लेयर के लिए। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब दूसरा क्या है, अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं। अक्रेंस ऑफ सर्टेन नेचुरल फिनोमिना सच एज सन स्पॉट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक विंड। अब ये सन स्पॉट क्या है, जब सन की मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत चेंज आता है तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो अल्ट्रावायलेट बी है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसमें 0.1% का इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब जब सन स्पॉट बनेगा
तो जो अल्ट्रावायलेट बी है वो 0.1% बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगी, तो ये तो सन स्पॉट करेगा थोड़ा बहुत। और जो फिर है क्या, स्टेटोस्फेरिक विंड, ये क्या है, ये स्टेटोस्फेयर में जब टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता है तो प्रेशर भी चेंज होगा, उससे कारण क्या है, विंड, विंड जो है वो इसके चारों तरफ सर्कुलेट करती है, जैसे कारण क्या होता है, जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। तो हमारा क्या है, सन स्पॉट और जो स्टेटोस्फेरिक विंड है, ये दोनों भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में डिप्लीट करती हैं, लेकिन करती हैं। तो ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। और थर्ड क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इसमें तो कोई मतलब है नहीं ओजोन लेयर डिप्लेशन में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फोर्थ क्या है, मेजर वॉल्केनिक इरेप्शन, जो ज्वालामुखी का इरेप्शन होता है उसमें मेजर क्या निकलती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्लोरीन रहता है। तो फर्स्ट इसमें क्या बताया था, क्लोरीन भी बहुत खतरनाक है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा क्या क्या करेक्ट है, पहला, दूसरा और चौथा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में किस में दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया है पहला, दूसरा और चौथा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यह लग रहा हो कि यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ डेसीडियस ट्रीज, जो डेसीडियस ट्रीज है उसका मेन करेक्टरिस्टिक क्या होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग है पर्णपाती, पर्णपाती वृक्ष, जो वृक्ष अपनी पत्तियां साल में रिलीज कर देते हैं और उन रिप्लेस होके नई पत्तियां आ जाती हैं, उन्हें हम लोग डेसीडियस ट्रीज कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपली बी, देखिए दे शेड देयर लीव्स एनुअली, ये जो वार्षिक में एनुअल में अपनी पत्तियां रिलीज करती हैं। अब इंडिया में किस तरह के फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, तो वो हैं ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, इंडिया में ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अ वॉल रेक्टेंगुलर इन शेप हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 72 मीटर, इफ़ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 मीटर, वॉट इज द एरिया ऑफ वॉल। आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का एक वॉल दे रहा है जिसका आपको डायगोनल कितना, 18 मीटर, इसका लेंथ हम मान लेंगे एल और इसकी विड्थ मान लेंगे डब्लू। तो आपको इसका पेरीमीटर कितना दिया है, ये दिया 72। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल आउटर डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये एल फिर डब्लू फिर एल फिर डब्लू, तो 2 बार L और 2 बार W, ये कितना दे रहा है आपको, 72। तो L प्लस W की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 36। अब इस रेक्टेंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो देखिए ये 90 डिग्री है, तो L स्क्वायर प्लस W स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है फ्रेंड, अब आपने मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे इसी तरह हम लोग एल प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2LW। ये एल डब्ल्यू क्या है, यही तो रेक्टेंगल और जो वॉल है उसका एरिया है, तो एल डब्ल्यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये जो एल डब्ल्यू है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम लोग एल प्लस डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे 36 रखेंगे और एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर यहाँ पे 324 रखेंगे। तो यहाँ से हमको
एल डब्ल्यू की वैल्यू, जो वॉल का एरिया है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 486। ये सिंपल कैलकुलेशन, इसको आप कर लेंगे। आपको सिर्फ मेथड जानना जरूरी था कि किस मेथड से ये सॉल्व होगा, बाकी कैलकुलेशन तो इसका इजी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 486 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। टू आइसोलेट एन इनक्लोज एरिया फॉर कंजर्वेशन एन ओपन ट्रांसवर्स इज रन कीपिंग क्लोज टू बट आउटसाइड ऑफ दी एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ एरिया थ्रू ग्राउंड पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी टॉवर्ड्स एच तक। देखिए ए बी सी डी पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है पूरा। फिर क्या, टू बी इवेंचुअली लोकेटेड, ए बी इज 80 डिग्री टू ईस्ट ऑफ नॉर्थ लाइन ए, ये पूरा नॉर्थ से ईस्ट तक का 80 डिग्री दे रहा है। डिफ्लेक्शन इंटीरियर एंगल बी सी डी ई एफ का भी दिया है, देखिए बी सी डी ई एफ का भी सबका दिया है। आर इंडिकेटर व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, जी जी का आपसे पूछ रहा है, जी का डिफ्लेक्शन एंगल आपसे पूछ रहा है। सो दैट जी एच में पैरेलल टू बी ए, जो जी एच लेंथ है वो ए बी के पैरेलल है। वो लेंथ आर इमटेरियल इन दिस केस, यहाँ पे लेंथ का यूज़ नहीं करना है आपको, एंगल की से ही आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हम लोग फिगर को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ एच है तो हम क्या करेंगे, एच को ए से मिला देंगे, ये एक सीधी लाइन हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब ए बी सी डी ई एफ जी एच फिर ए, ये क्लोज पॉलीगन बन गया। तो जिसमें कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 8 क्योंकि ये ए और एच से मिला हुआ है, तो ये क्लोज पॉलीगन बन गया जिसमें 8 साइड हैं। तो क्लोज पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90। तो यहाँ पे कितने साइड हैं, यहाँ 8 साइड हैं, तो 2 × 8 − 4 × 90, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1080। तो सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमको फाइंड हो गई। अब अगर हमको सबका पता हो तो उसका सम लिख के हम लोग 1080 लिख सकते हैं। तो पहले अब सबका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। देखिए ये एच को मिलाया था मैंने, देखिए ठीक, तो एच का कितना हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल, तो इसका भी 80 डिग्री, एच बी एंगल जो है वो 80 डिग्री। अब हमको ए का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, मतलब ये वाला, क्योंकि ये 80 है और ये पूरा कितना है 180, तो ए का एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब बी का ये एंगल फाइंड करना है हमें, तो पूरा एंगल होता है 360, और 360 − 130, तो ये कितना हो जाएगा 230। अब यहाँ पे सी का इंटीरियर देखिए दिया हुआ 80। अब डी का कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल, ये इंटीरियर वाला, क्योंकि 360 − 90 कितना होगा 270। अब ई का दिया है इंटीरियर 60 और एफ का भी दिया है 70। अब हमको जी का फाइंड करना है, तो जी का एंगल जी और एच का 80 था ही। अब सब एंगल अलग करके हम लोग सम करेंगे, देखिए क्या आता है, देखिए क्या आता है, पैर एंगल एच वो ए कितना था, ए था 100 हमारा, फिर बी कितना था, बी कितना था 230, फिर सी 80 था, फिर डी कितना था 270, फिर ई की वैल्यू वही थी 60, फिर एफ की वैल्यू 70। अब जी, जी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एंगल जी की वैल्यू, और एच की वैल्यू कितनी थी, एच की वैल्यू थी 80। ये पूरा एंगल का सम कितना था हमने निकाला था, ये निकाला था 1080। तो ये सिंपल इक्वेशन है, यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू, ये इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 190। तो हमारा ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। पहला क्या है? दे आर लार्ज, दे हैव लार्ज स्पेसिफिक आयनाइजेशन वैल्यू। क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो हाई होती है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? पहला करेक्ट है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दे डिसिपेट देयर एनर्जी रैदर स्लोली। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को वो इंस्टेंटेनियस ही लूज कर देता है। तो यहाँ पे स्लोली नहीं होगा, यहाँ पे फास्टली होना चाहिए। तो जो टू है वो रॉन्ग है। अब देख लेते हैं हम लोग टू टू किस में है। ये देख लिए, सी में भी टू आ रहा है और डी में भी आ रहा है, तो ये पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब थर्ड क्या है? थर्ड दे रहा है दे कैन पेनिट्रेट दी आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो लो होती है, तो ह्यूमन की आउटर स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो जो स्टेटमेंट थ्री है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए बी में भी थ्री आ रहा है, तो बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 4। अब फोर देख लीजिए, देयर एमिटर्स आर हैवली एलिमेंट। जो अल्फा पार्टिकल है वो कॉमनली किससे एमिट होता है? वो एमिट होता है हैवली जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम थोरियम इत्यादि से वो एमिट होता है। तो हमारा जो फोर्थ है वो भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, BOD। BOD तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डीकम्पोज और ऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन होने के लिए जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसी को हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो अगर BOD बढ़ेगा तो जो कंपोजिशन रेट है वो भी बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो ऑर्गेनिक मैटर में डीकम्पोज हो जाएंगे। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? लो माइक्रोबियल कंटामिनेशन। लो तो होगा नहीं, वो हाई होता है। अगर इंक्रीज करेंगे BOD तो जो कंटामिनेशन वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लो है तो ये पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए और डी पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर क्या है? सेकंड क्या है? एब्सेंस ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। तो इसका पोल्यूशन से कोई लेना देना है नहीं, तो ऑप्शन टू भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड क्या है? थर्ड है हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हाई लेवल, इसमें क्या इंक्रीज BOD है ना, तो जब इंक्रीज करेगा तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ेगा। तो जब डिकम्पोजिशन रेट बढ़ेगा तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा ज़्यादा ब्रेक डाउन होंगे, तो उसका लेवल हाई होगा। तो जो थ्री है वो करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी, थ्री ओनली करेक्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट एंड वेयर दी इंडिविजुअल्स मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव सेपरेटली इज कॉल्ड। आपने बायो में पढ़ा होगा कि मतलब जनरल नॉलेज बायो में पढ़ा होगा कि एल्गी एल्गी और फंजाई फंजाई दोनों एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं। एल्गी क्या करता है? वो फूड प्रोड्यूस करता है, और जो फंजाई है वो एल्गी को प्रोटेक्ट करता है। और ये दोनों अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये साथ में ही रहेंगे तभी सर्वाइव करेंगे। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग सिम्बॉटिक्स। सिम का मतलब क्या होता है? समान, मतलब साथ साथ। और बॉटिक का मतलब लाइफ, मतलब साथ साथ सर्वाइव करें। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अ सिंपल प्रोजेक्ट कंप्रेसिस ऑफ टू स्टार टू इन पैरेलल पाथ्स ईच विद थ्री एक्टिविटीज इन सीरीज विद टू इंटर पार्ट डिपेंडेंसीज दी ए एम बी डाटा इन डेज फॉर ईच एक्टिविटी आर शोन इन दी डाइग्राम एज्यूमिंग दैट थ्री
एक्टिविटीज इन सीरीज आर इनफ फॉर फर्दर कंप्यूटेशन। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा। व्हाट विल बी द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। तो ये भी कह रहा है कि थ्री एक्टिविटी वो इनफ है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे दो पाथ दिया है। पहला पाथ क्या है? ऊपर वाला पाथ वन, फिर नीचे वाला पाथ टू। तो हम लोग दोनों पाथ का एक्सपेक्टेड टाइम पहले फाइंड कर लेंगे कितना कितना आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टी ई इक्वल टू टी पी प्लस 4 टी मीन प्लस टी ओ अपॉन 6। ये टी पी क्या है? ये है पेसिमिस्टिक टाइम। ये टी ओ क्या है? ये ऑप्टिमिस्टिक। और टी क्या है? मीन। जो कि देखिए दिया है पहला टी पी की वैल्यू, फिर टी एम की वैल्यू, फिर टी ओ की वैल्यू। तो सबकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तीनों के लिए। तो तीनों का हम लोग पाथ का एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले में रखते हैं। पहले पाथ का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है? इसका पहला टू है, फिर 4 टी मीन, फिर 4 × 3 प्लस 4/6, फिर दूसरे वाले का 4 + 4 + 4 × 6 × 6 प्लस 8/6, फिर प्लस फिर इसका फिर 5 + 4 × 8 + 11/6। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा इसका? पहला पाथ कितना, इसकी टाइम ड्यूरेशन वो आ जाएगी 17 डेज। इसका आ गया 17 डेज। अब इसी तरह हम लोग इस पाथ का भी निकालेंगे पूरा। तो ये देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अब सेकंड वाले का, इसको भी वैसे ही, इसमें 6 + 4 × 7 + 8/6, फिर प्लस इस वाले का 12 + 4 × 12 + 18/6, फिर इस वाले का, फिर प्लस 9 + 4 × 15 + 18/6। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा? ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 34.5। तो इस पाथ में टाइम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और इस पाथ में कम आ रही है। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। क्रिटिकल पाथ किसी प्रोजेक्ट का कौन सा पाथ होता है जिसमें टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो? और क्रिटिकल पाथ में से ही हमको या प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो प्रोजेक्ट कितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है और टाइम। तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 34.5 आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं दे रहा 34। देखिए इसमें बी में दे रहा है और डी में। तो हमारा ए और सी पहले कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सिग्मा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये रूट, ये क्या टी टी पेसिमिस्ट माइनस टी ऑप्टिमिस्ट अपॉन 6 का स्क्वायर। इसी तरह ये तो इसके लिए, फिर इसी तरह तीन है ना, तीन टाइम दे रहा, तो तीनों के लिए यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर अपॉन में रूट। तो यहाँ पे टीपी की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको? टीपी की वैल्यू आपको दे रखा है ये 8 है, और टीओ की वैल्यू 6 है। तो इस तरह आप पुट करेंगे। देखिए पुट कर रहा हूँ मैं, 8 - 6/6 का स्क्वायर प्लस 18 - 12/6 का स्क्वायर, फिर प्लस 18 - 9/6 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा आपका √121/36। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11/6। तो देखिए ऑप्शन डी में 34/1/2 और
स्टैंडर्ड डेविएशन 11/6, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।